नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय। गृह निर्माण सामग्रियों में आई गिरावट। अगले साल जनवरी तक लगा दिए जाएंगे विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में बायोमेट्रिक मशीन। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। दिनेश कार्तिक ने वर्तमान कोचिंग सेटअप का किया सराहना। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत बिहार में स्थित तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, पहाड़ी क्षेत्र और मंडी शहरों को अब नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं 30,000 से 1.5 लाख तक की आबादी वाले नगर परिषद और 9,000 से 30,000 तक की जनसंख्या वाले नगर पंचायत बनाए जाएंगे। इससे नगर एवं आवासन विभाग पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर को नगर पालिका के तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। गृह निर्माण सामग्रियों में आई गिरावट। बिहार में घर बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि घर के निर्माण में सामग्रियों के दाम में अब राहत मिलने वाली है। पिछले एक माह की बात करें तो गिट्टी की कीमत में प्रति 100 CFT पर 3500 रुपये तक की गिरावट आई है। एक माह पूर्व गिट्टी की कीमत प्रति 100 CFT 13,500 पर चली गई थी, अब यह 9,800 रुपये में मिल रही है, जबकि बालू पर प्रति 100 CFT 600 से 800 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सरिया प्रति क्विंटल 400 रुपये और सीमेंट 20 रुपये तक प्रति बैग सस्ता हो गया है। इसके पीछे की वजह व्यवसायियों ने बताया कि माल भाड़े की लागत में कमी आई है, जिसकी वजह से इन सामग्रियों के दाम में भी गिरावट आई है। राज्य में मॉडल होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनेगा RBTC होम्योपैथिक कॉलेज। बिहार का एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज RBTC मुजफ्फरपुर को फिर से सवाड़ा जा रहा है। इसके पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 200 करोड़ की योजना का जल्द ही टेंडर किया जाएगा। इसके बाद इसके पुनर्निर्माण तेजी से की जाएगी। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। उन्होंने कहा कि इसके पुनर्निर्माण के बाद यह हॉस्पिटल पूरे राज्य में मॉडल होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनकर उभरेगा। RBTC कॉलेज के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पुनर्निर्माण में अस्पताल के पुराने भवनों को तोड़कर नया बनाया जाएगा। बेवजह दाखिल खारिज करने वाले CO की जांच में जुटे DCLR। सरकार की नज़र में खुद के काम को बेहतर दिखाने की कोशिश में CO ने दाखिल खारिज के 40% यानी पूरे 20,000 आवेदन रद्द कर दिए हैं। अब जब यह मामला कृषि मंत्री के संज्ञान में आया है, तब जाकर इन अंचल पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में ऐसा करने वाले शेखपुरा और बांका जिले के अधिकारियों ने सबसे अधिक ऐसा किया है। अब इसको लेकर भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने इस संबंध में अनुमंडल के DCLR को जांच कर जल्द रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे 200 CO पर यह कार्रवाई की जा रही है। छपरा को पूर्वांचल से जोड़ने का रास्ता हुआ साफ। बिहार का पथ निर्माण विभाग लगातार सड़कों की जाल बिछाने की कोशिश में है, ताकि बिहार के किसी भी कोने तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो जाए। इसी कड़ी में छपरा, जो कि सारण जिले में है, को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बलिया छपरा सड़क का टेंडर जारी कर दिया है। लगभग 3,000 करोड़ की इस परियोजना को 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर से बलिया तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस से छपरा को जोड़ने के लिए 117 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। वहीं हाजीपुर छपरा से पहले ही 4 लेन से जुड़ाव है। पटना का हाजीपुर से सुगम संपर्कता हासिल है। ऐसे में छपरा के पूर्वांचल एक्सप्रेस के जुड़ने से न केवल सारण बल्कि पटना, वैशाली सहित अन्य जिले के लोगों का गोरखपुर तक आना जाना आसान हो जाएगा। बाढ़ को लेकर आपदा विभाग सजग। 1,150 मीटर पर एक स्थानीय प्रहरी। नेपाल में हो रही आफत की बारिश और नेपाल की सप्तकोशी बांध टूटने की वजह से उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इसको लेकर आपदा विभाग अलर्ट है। इसी कड़ी में राज्य में बाढ़ से बांधों की निगरानी के लिए प्रत्येक 1150 मीटर पर एक स्थानीय प्रहरी की अस्थायी तैनाती की जाती है। इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है और ये बांधों में होने वाले किसी भी खतरे की सूचना तुरंत जल संसाधन विभाग सहित स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करवाते हैं। फिलहाल राज्य में करीब 3800 किलोमीटर लंबाई में बांधों की निगरानी के लिए 3341 स्थानीय प्रहरियों की अस्थायी तैनाती की गई है। आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है।
अगले साल जनवरी तक लगा दिए जाएंगे विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में बायोमेट्रिक मशीन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और क्लासरूम में छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। वहीं अब बिहार के विश्वविद्यालय में जल्द ही बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई जाएंगी, इसको लेकर सभी विश्वविद्यालय में निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगले साल जनवरी से पीजी विभाग और कॉलेज में छात्र छात्राओं की भी बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी और उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। मैथिली विषय के 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मैथिली विषय में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जस्टिस मोहित कुमार शाह ने श्वेता भारती और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिलहाल परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर रिजल्ट निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों की गणना के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा उन्हें अंक नहीं दिए गए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि आयोग ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत परिणाम नहीं प्रकाशित किए, साथ ही तथ्यों को तोड़ मोड़ कर कोई गड़बड़ी करने की फिराक में है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार जाँच की जा रही है और संदिग्धों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई ने बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सभी 9 आरोपी अभी बेउर जेल में बंद हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में डीएसपी रंजीत कुमार रजक समेत कुल 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएसपी रंजीत पटना में ही बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की 14वीं बटालियन में तैनात थे। 8 आरोपियों के खिलाफ फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। वहीं बेउर जेल में बंद इन 9 आरोपियों में वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक केंद्र अधीक्षक अगम सहाय प्रोफेसर सुशील सिंह, बड़हरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता, कृष्ण मोहन सिंह, राजेश कुमार, सुधीर कुमार, निशिकांत राय और अमित सिंह शामिल हैं। एएनएम की बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। बिहार में अब एएनएम की बहाली में फर्जीवाड़ा किया गया है। बिहार में फर्जी तरीके से एएनएम की बहाली का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर पटना के सचिवालय थाने में 53 एएनएम पर केस भी दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी तरीके से बहाल हुई 53 एएनएम पर नामजद केस दर्ज होने की बात सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले की जाँच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 2021 में इन एएनएम की नियुक्ति का फर्जी आदेश निकाल दिया गया था। चिराग पासवान के षड्यंत्र की वजह से विस चुनाव में जदयू को हुआ नुकसान। जदयू ने रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से जदयू को नुकसान हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दिए बयान के बाद अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने भी इस मुद्दे को छेड़ा है। दोनों ने कम सीट लाने के पीछे एक षड्यंत्र को वजह बताया है और खुलकर चिराग पासवान का नाम सामने लाया गया है। दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने बीते दिन कहा कि चिराग पासवान के षड्यंत्र की वजह से ही 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बात का एहसास लोजपा के बड़े नेताओं को हो गया था, इसलिए लोजपा के कई सांसद अलग हो गए थे। आरसीपीसी के अकूत संपत्ति अर्जित करने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है, जिसके बाद जदयू की तरफ से ही आरसीपी सिंह को एक पत्र लिखकर जवाब मांगा गया और जदयू आरसीपी सिंह पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। अब बस आरसीपी सिंह के जवाब का इंतजार है। पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी जाँच एजेंसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह के खिलाफ जल्द ही आईटी और ईडी की कार्रवाई हो सकती है। वहीं इससे पहले पटना जदयू कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आरसीपी सिंह क्या जवाब देते हैं उसके आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी, लेकिन उनका जो भी जवाब होगा वही तय करेगा कि आरसीपी सिंह के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। जदयू को इस राज्य में मिला राजकीय पार्टी का दर्जा। जदयू लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है। वहीं अब जदयू को इस राह में बड़ी सफलता मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने जदयू को मणिपुर में राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दिया है। जदयू यह मान्यता मणिपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए प्रदान किया गया है। मालूम होगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू को पहले से ही मान्यता प्राप्त है। इस तरह जदयू अब 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी हो गई है।
दिनेश कार्तिक ने वर्तमान कोचिंग सेटअप का किया सराहना। 37 वर्षीय दिनेश कार्तिक ने कहा कि एक बेस्ट टीम एनवायरनमेंट भी हिस्सा है। कार्तिक ने टीम में निरंतरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए कोचिंग स्टाफ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत कुछ कहा है और मैं इसे कहता रहूंगा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा टीम वातावरण है जिसमें मैं निरंतरता और निरंतरता के कारण खिलाड़ियों को दे रहा हूं। उन्हें दैनिक आधार पर नहीं आंका जाता है और उन्हें समय दिया जाता है, उन्हें असफल होने का अवसर दिया जाता है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को असफल होने का मौका देना और फिर अगले खिलाड़ी की ओर बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 19,400 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.50% है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 212 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 106,192 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 250 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, शंकर मुखिया, राजकुमार प्रसाद, रवि कुमार राज, मोहम्मद इमरान, सौरभ कुमार, इसनिशा यादव संगम, भान प्रकाश मौर्य, कमल चौधरी और सूरज भगत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों पर जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।